गुरु के चार दायित्व। दायित्व बहुत सारे होते हैं, पर मोटे तौर पर अगर हम अपनी बात को समेटे तो गुरु के चार दायित्व। पहला दायित्व, गुरु का काम है हमें मुक्ति की तरफ ले जाना। गुरु का दूसरा काम है हमें शील सदाचार में दृढ़ करना। गुरु का तीसरा काम है हमें हमारी कमजोरियों का एहसास करा के उन कमजोरियों को दूर करना। और गुरु का चौथा काम है ज्ञान का दान करना। हम अगर यहां पर बोल रहे हैं ना, प्रतिदिन अगर 1.25 घंटे बोलूंगा तो समझ लो मैं रोजाना 1.25 घंटे यहां पर बैठ करके ज्ञान दान कर रहा हूं। जिसके पास जो होता है वो वही तो दान करता है। आपके पास धन है तो आप धन का दान करेंगे, वो बहनों के पास वस्त्र है तो वस्त्रों का दान करेंगे, वो बहुएं खाना बनाती है तो रोटी का दान करेंगे, और गुरुओं के पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान करेंगे। चार दायित्व हुए गुरु के, तो बड़ा दायित्व है ये। जब जब गिरे तब तब गुरु ने टेका दिया, सहारा दिया। इसलिए गुरु माँ है। माँ और परमात्मा के बीच में एक कड़ी आती है और वो है महात्मा की कड़ी, जो हम लोग सब लोगों को संभालती है, सहेजती है। याद दिलाऊंगा आपको, इतिहास में बड़ी अच्छी घटना प्रेरणादायी आती है कि एक राजकुमार था जिसका नाम था मेघ। राजकुमार मेघ भगवान श्री महावीर के सानिध्य में आया और उनकी दिव्य वाणी, दिव्य सत्संग, दिव्य देशना को सुनकर के उसका हृदय वैराग्य वासित हुआ और उसने दीक्षा धारण कर ली। अब समझिए इंपॉर्टेंट बात, जिस रात उसने दीक्षा धारण की थी तो भगवान के बहुत सारे शिष्य थे, तो चैत्य विहारों में भगवान अपना प्रवास किया करते थे। तो जिस हॉल में उसे सोने की जगह मिली, उस हॉल में और भी 100 संत सोए हुए थे, 100 मुनि सोए हुए थे। अब 100 लोग एक साथ किसी हॉल में सोए हैं तो रात को संत हो जाए तो क्या हुआ, शरीर की प्रकृति तो अपना काम करती है। तो रात को किसी को लघु मात्रा के लिए, सुसु करने के लिए किसी को उठना पड़ रहा है, तो उसका नंबर आया है गेट के पास। कहाँ? अब जो यहां सोया है, और वो जब उस जमाने में लाइटें तो होती नहीं थी, और वो गेट के पास सोया, और इधर से किसी को अगर लघु शंका, सुसु की अगर शंका हुई है तो वो जाएगा तो उसके पाँव को ठोकर लगने की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। बस तो अब 100-100 मुनिजन सोए हैं, किसी को 2 बजे निकलना हुआ, किसी को रात को 1 बजे निकलना हुआ, तो उसको 10-5 बार ऐसे ठोकर लगी। उसको बड़ी झुंझलाहट आई कि मैं राजकुमार था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी पांव लगाने की, तो बात दूर की है, कोई मुझे रे भी बोल सके ये भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और यहाँ पर तो मुझे रात भर में नींद नींद भी ना आ पाई और मुझे ठोकरें लग रही है, ये क्या तरीका है? मैं तो सुबह उठते ही अपना वापस अपने राजकुल में, अपने घर में, अपने महल में वापस चला जाऊंगा। देखो गुरु कैसे संभालते हैं, कैसे सहेजते हैं, ये समझिएगा। और तब मेघ कुमार, सुबह सूर्योदय होता है और वो उधर के रास्ते से जैसे ही निकलने वाला होता है कि उधर से भगवान आदेश देते हैं, अहो मेघ क्या बात है? चौंका, भगवान भगवान एक रात में ही विचलित हो गया? अरे भगवान को कैसे पता चला कि मैं विचलित हो गया? नहीं 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 भगवान, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आओ मेघ मेरे करीब आओ, आज तुम्हें किन्हीं 2-4-5 संतों की हल्की सी ठोकर लग गई और उसमें तुमने अपने आप को इतना विचलित कर डाला कि जिस प्रबल वैराग्य के साथ तुमने दीक्षा ली थी वह वैराग्य तुमने गिर भी रख दिया और झट से राजमहल की तरफ निकल पड़ा। अरे याद कर अपना अतीत कि जब तुम एक गजराज थे, जब तुम एक हाथी थे, भगवान अपनी वाणी बोलते चले जा रहे हैं और उधर से मेघ कुमार को अपना पूर्व जन्म दिखाई देना शुरू होता है और तब वो अपने पूर्व जन्म को याद करते हुए देख रहे हैं
कि किसी जंगल में, भयंकर जंगल में आग लग गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और तब उस गजराज ने दया खा करके, दया के वशीभूत होकर के एक 4 बीघा जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे थे सबको उखाड़ उखाड़ कर फेंका और पूरा चौगान बना दिया, और सारे जीव जंतु उसी चौगान में आकर के इकट्ठे होने लग गए। ऐ गजराज, तुमने दया के वशीभूत होकर के जंगल के समस्त जीव जंतुओं को अभय दान दिया, उनको जीवन दान दिया, जीवन की रक्षा की थी, पर ऐ मेघ, याद कर अपने उस गजराज के भव को। और तब वो देखता है याद करते हुए कि अचानक उसे खुजली उठी, और खुजली उठने के कारण उसने अपना एक पांव ऊपर किया खुजलाने के लिए, बॉडी को खुजलाने के लिए, कि तभी पांव तो इधर ऊपर किया और उधर से एक खरगोश फुदकता हुआ आया और उतनी सी खाली जगह देखकर उसमें आकर के बैठ गया। तेरे मन में और प्रगाढ़ दया आई और तेरे मन में आया, ऐ मेघ, कि मैंने जब सारे जीव जंतुओं की प्राण रक्षा की है तो इस जीव की भी प्राण रक्षा क्यों न करूं। तूने अपना पांव ऊपर का ऊपर रखा, 3 दिन 3 रात तक तेरा पांव ऊपर का ऊपर रहा, जिसके कारण तेरा पांव अकड़ गया। 3 दिन में जब आग बुझी तो सारे जीव जंतु वापस जंगल की तरफ निकल गए, पर जब तूने अपना पांव सीधा किया, तेरा पांव अकड़ चुका था, तेरा पांव जमीन पर न रख पाया तू, और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा तू। इतना इसी समय तेरे प्राण पखेरु उड़ गए, पर तूने इतनी महान दया की थी, जंगल के समस्त जीवों को जीवन दान अभय दान दिया था, उसी के पुण्य प्रभाव से आज तू राजकुमार मेघ बना है। मेघ, तू विचार कर कि उस समय तूने 3 दिन 3 रात तक अकड़ना कबूल कर लिया, पर किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना कबूल न किया। जब तू उस समय विचलित ना हुआ तो मेघ, आज कैसे तू विचलित हो रहा है। मेघ ने अपना अतीत जाना, भगवान के श्री चरणों में आकर के गिर पड़ा और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगा कि भगवान, आज आपकी कृपा का ये परिणाम निकला, गुरुदेव की शक्ति का ये परिणाम निकला, सदगुरु की शक्ति का ये परिणाम निकला कि आज मुझे अपना जन्म जन्मांतर का भी बोध हो चुका है। आज के बाद ये मेघ चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, पर अब के बाद अब ये मेघ कभी भी विचलित नहीं होगा। अब तो मुनि जनों की ठोकर तो क्या लगे, आज से मेरा जीवन ही अब मुनि जनों की सेवा के लिए ही समर्पित रहेगा। और तब मेघ फिर से अपने दिव्य पथ पर सुदृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ स्थिर हो गया। पर गुरु थाम लिया, गुरु ने थाम लिया, गुरु तब भी थामते थे और गुरु अब भी थामते हैं। अध्यापक में और गुरु में फर्क है। अध्यापक क्या करता है, क्या करता है, अर्जन करता है, और गुरु देता है, विसर्जन करता है, गुरु देता है। गुरु हमें आत्म अनुभूति देता है, गुरु हमें आत्मचिंतन देता है, गुरु हमारे लिए आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, गुरु निस्वार्थ होता है। जो वापस कुछ लेता है वो गुरु नहीं हुआ, गुरु निस्वार्थ देता है। उसका काम सरोवर की तरह सबकी प्यास बुझाना, गुरु का काम है तरोवर की तरह सबको छाया और फल देना, गुरु का काम होता है बादलों की तरह सबको पानी देना, गुरु निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। यही वजह है, मैं अनेक बार कह दिया करता हूँ, साहब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं। ज़रूरतें तो भिक्षुक की भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। ज़रूरतें तो सब बोलो तो, ज़रूरतें तो भिक्षुक की भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं, ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी की अधूरी रह जाती है। इसीलिए तो मेरे भाई बहनों, गुरु का जीवन निस्वार्थ होता है। मैं मानकर चलता हूँ, मैं अपना कोई स्वार्थ नहीं रखता, किसी को कोई सलाह भी देता हूँ तो पूछ लेता हूँ, भाई वो सलाह दूँ जो गरिमापूर्ण लगे या वो सलाह दूँ जिससे तेरा भला हो जाए। मैं मानकर चलता हूँ,
जब मुनि जीवन ग्रहण कर लेते हैं तो हर किसी संत को पहला काम कर लेना चाहिए, अपने आप को स्वार्थों से ऊपर उठा लेना चाहिए। मांगना ये गुरु का काम नहीं है, दानी बनकर देना ये गुरु का काम है। संत या गुरु स्वार्थ मुक्त होता है। कोई मुझसे पूछे कि धर्म क्या है, तो एक लाइन में धर्म समझ लो, अपने स्वार्थ का परित्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। क्या है धर्म? अपने स्वार्थ का परित्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। वो देखो, भंडारी साहब बैठे हैं, उन्होंने जोधपुर में अस्पताल बनाई। क्या किया उन्होंने? ऐसा करके अपने स्वार्थ का त्याग किया। इन्होंने हॉस्पिटल बनाई और मुझे बताया कि सब पूरे हॉस्पिटल में कहीं इन्होंने अपना नाम भी नहीं लगाया। ये हुई ना क्वालिटी की बात है। केएन भंडारी इधर बैठे हैं और इन्होंने हॉस्पिटल बनाई और उसमें अपना नाम तक भी नहीं खुदवाया। लोग पूछते हैं क्या आपने नाम नहीं खुदवाया? भाई मैंने किया क्या? मैंने तो केवल अपना स्वार्थ का त्याग किया। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने केवल अपने स्वार्थ का त्याग किया है। बस ये त्याग का नाम ही धर्म है। इस त्याग का नाम ही धर्म है। इसलिए अपने अपने स्वार्थ का जब भी हम त्याग कर देंगे, तब तब हमारा धर्माचरण हो गया। आपने किसी मंदिर में गए, किसी धर्मशाला में गए, एक कमरा लिखाया, नाम वापस अर्जित कर लिया, त्याग हो नहीं पाया, वापस अर्जन हो गया। धन का तो विसर्जन हुआ पर नाम और यश का अर्जन हो गया। त्याग का मतलब हुआ दिया और खिसक गया, दिया और खिसक गया। भाई मैं तो त्याग कर रहा हूं, अपन गले में कफ आ जाए, थूकने जाते हैं, वहां नाम थोड़ी दिखाते हैं, ये थूक फलाणचंद जी का, ये त्याग है। ये तो एक्स्ट्रा पैदा हो गया, त्याग कर दिया। मेरे पास धन एक्स्ट्रा आ गया, मैंने उसका त्याग कर दिया। मेरे पास समय था, मैंने किसी को हॉस्पिटल में मरीज को पहुंचा दिया, मैंने अपने समय का त्याग कर दिया उसके लिए। त्याग का नाम धर्म है, स्वार्थ को त्याग करने का नाम धर्म है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब भी मौका लगे स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार रहिएगा। और जिस दिन भी आज लगे आज मैंने स्वार्थ का त्याग किया है, देखो स्वार्थ का त्याग कैसे हो सकता है। आपकी दुकान, देखो स्वार्थ का त्याग, आपकी दुकान है और आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब मंदिर जी का निर्माण चल रहा है, उसमें आपके मैं सीमेंट खरीदने आया हूँ, जो उचित दाम लगे वो ले लीजिए। अब क्या हो रहा है देखो, वहाँ पर मंदिर जी का, मस्जिद का, मैं सबसे कहता हूँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा धर्म स्थान का कहीं भी निर्माण हो रहा है, तुम वहां पर अपना स्वार्थ छोड़ दो, ले लो भाई जितना में मेरे आया तुम उतना ले जाओ। मैं अगर कम कर सकूं उसमें भी तो ये मेरा पुण्य अवसर होगा, पर अगर मैं कम न भी कर पाऊं तो कम से कम मेरा सहयोग ये होगा कि मैंने उसके लिए अपना स्वार्थ त्याग दिया, मैंने अपना स्वार्थ उसके साथ नहीं जोड़ा। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, स्वार्थ का त्याग करो। देखो अभी एक शहर का नाम बताता हूं, नडियाद। जब हम वहां गए तो हमें एक व्यक्ति के बारे में जानने को मिला कि वो व्यक्ति है तो नाई, पर हर सप्ताह शनिवार शनिवार कच्ची बस्ती में जाता है और 2 घंटा गरीब बच्चों की हजामत करके आता है। बताओ ये धर्म हो रहा है कि नहीं है? ये धर्म हो रहा है कि नहीं? उसने 2 घंटा सेवा देकर के आया, स्वार्थ का त्याग कर दिया। ये किशन जी बैठे हैं इधर, मंदबुद्धि बच्चों का हॉस्टल चलाते हैं, रोजाना 2-2 घंटा अपना समय लगाते हैं, 2 पैसा भी लगाते हैं, इससे उनको मिलता क्या है? किशन जी खड़े हुए, तो आप ये 2-2 घंटा लगाते होंगे, इतनी दूर दूर तक जाते होंगे, अपना पेट्रोल लगा लगा के आते होंगे, जला जला के आते होंगे, आपको इससे मिलता क्या है? नंबर 1 इनको आत्मिक शांति मिलती है। और बताइए,
अपना अनुभव बताइए, हैं, सुकून मिलता है। और बोलिए, वहाँ जाने से इनको क्या मिलता है? 2 घंटा ऑफिस में जाके बैठेंगे तो कुछ कमाएंगे, पर वहाँ जाकर के बैठे इनको मिल क्या रहा है? और बोलिए, इनको क्या क्या मिल रहा है बताइए। बच्चों को जो खुशी मिलती है वो हमारे पास लौट कर आती है। और बोलिए, उनकी दुआएं मिलती है, बहुत सुंदर, उनको दुआएं मिलती है। देखो मतलब कितने सारे फायदे हैं, केवल इन्होंने वो 2 घंटा जो अर्थ का अर्जन करते हैं उन्होंने अपना स्वार्थ उससे हटाया। बस यही तो है गुरु पूर्णिमा, है सर? इनके बच्चे संस्कारित होते, फायदे बहुत सारे हैं। भाई मुझसे अगर आप लोग प्रेरणा लेना चाहें तो मैं ज़रूर कहूँगा, जीवन में जब भी मैं डॉक्टरों से भी कहता हूँ, भाई डॉक्टर तुम कितना भी देखो पर महीने में एक दिन के लिए लिख दो कि महीने में जिस दिन तेरा हैप्पी बर्थडे है या जिस दिन उस दिन तेरी मम्मी का पापा का दिन है स्वर्गवास का, वो वाला दिन तो कम से कम एक तय कर लो कि मैं महीने में एक दिन, सप्ताह में एक दिन कर सके तो अच्छा है, महीने में एक दिन मैं उस दिन समस्त लोगों को फ्री देखूंगा। तेरी फीस 500 है तो 500 ले, 5000 है तो 5000 ले, पर कम से कम महीने में एक दिन तो ऐसा रख के उससे अपने आप को स्वार्थ से बाहर तूने निकाला। इतनी तो मानवता की सेवा कर ही सकता है कि महीने में एक दिन, कोई गरीब भी है, मैं दिखाना तो चाहता हूं आपसे पर दिखाऊं कहां से, आपकी फीस ही 700 रुपये है, तो महीने में एक दिन तो ऐसा हो कि मैं फीस न देने वाला व्यक्ति भी आपका लाभ ले सकूं, लाभ उठा सकूं। भाई धर्म तो यही सब है, गुरु पूर्णिमा का जब मंगलमय अवसर है तो मैं आप सब लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा, जब जब मौका पड़े अपने स्वार्थों का त्याग करें, गुरुजनों के प्रति 4 दायित्व जरूर निभाएं। नंबर 1, प्रतिदिन उनके प्रति विनम्र भाव से नमन प्रणिपात अवश्य होना चाहिए। झरना अगर ऊपर से बहता है, घड़े में पानी लेना है, क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, प्रणिपात करो, नमन भाव अपने भीतर लेकर के आओ। प्रणिपात जरूर होना चाहिए, नमन का भाव जरूर होना चाहिए। पहला गुरु तो आदमी का माता पिता होता है, सुबह उठकर उनको प्रणाम करो, जिनसे जीवन का निर्माण हुआ उन गुरुओं को प्रणाम करो। अगर वो ऊपर चले गए तो उनके चित्र को प्रणाम करो, पर हृदय में विनम्रता का भाव जरूर होना चाहिए। कुएं में पानी, पानी में अगर घड़ा उतरा है, कुएं में पानी है और पानी में घड़ा उतरा है, पर जब तक अंदर अंदर बोलिए तो अंदर झुकेगा नहीं, अंदर उतरने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक पानी ऊपर अंदर भर नहीं पाएगा। पहला काम है प्रणिपात, नमन, वंदन। गुरुजनों को जब हम वंदन करते हैं तो 3 काम करते हैं। पहला है, सब लोग बोलो मथ एण वंदामि, सब बोली तो मथ एण वंदामि, वापस बोलिए फिर अर्थ बताता हूँ, मथ एण वंदामि अर्थात मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ। मथ एण वंदामि यानी मस्तक झुकाकर वंदन करता हूँ। गुरुजनों को वंदन करने का ये शब्द है मथ एण वंदामि, मथ एण याद नहीं आता तो वंदामि, क्या है शब्द? वंदामि। सामान्य व्यक्ति को नमन करना होता है तो कहते हैं नमस्कार, और थोड़ा ग्रेड ऊंचा तो कहते हैं प्रणाम, पर गुरुजनों को हम कहते हैं वंदन, यानी वंदामि, प्रणमामि निच्चम, हम आपको अपनी ओर से नमन करते हैं। गुरुजनों को जो वंदन करने की विधि बनाई गई है उसमें 3 काम किया जाता है, नंबर 1 वंदन, नंबर 2 सुख साता है, और नंबर 3 मेरे द्वारा आपके प्रति कोई भी अनुचित अव्यवहार हो गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। और ये व्यवहार आप सबके साथ कर सकते हैं, पापा को कह सकते हैं पापा धोक, पापा ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, पापा मेरे से आपके प्रति कोई गलती हुई तो सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। ये बड़ों जनों के प्रति हमारा प्रणतिपात, हमारा विनम्र भाव यह समर्पित हो गया। दूसरा काम, गुरुजनों की मान मर्यादा रखें, गुरुजनों की मान मर्यादा रखें। गुरुजन अगर जमीन पर बैठे हों तो हम उनके सामने कुर्सी पर न बैठें। सासू माँ जमीन पर बैठी है और बहू जाके सोफे पर बैठती है तो क्या है,
ये मान मर्यादा है या क्या है? नहीं है। तो गुरुजनों के प्रति भी हमें अपनी मान मर्यादा का विवेक बनाए हुए रखना चाहिए। तीसरा काम, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वो जो हमें कहते हैं उन निर्देशों का, उन संकेतों का हम पालन करें। गुरु आज्ञा परमात्मा आज्ञा के समान हुआ करती है। और चौथी बात, गुरुजनों की दिव्य वाणी को जन जन तक जरूर पहुंचाएं। एक बात जरूर सावधान कर देना चाहूँगा, कभी भी किसी भी गुरु की अपने मुंह से निंदा आलोचना न करें। अपने से सेवा बने तो करो, सेवा न बने साइड खिसक जाओ, पर अपनी जबान को कभी भी गंदा मत करो। उनका कुछ अहित होगा कि नहीं होगा, पर हमारा अहित जरूर हो जाएगा। अपन कहेंगे उनसे ऐसा पालन नहीं होता, भाई नहीं होता, उनकी वो जाने। कम से कम जब भी किसी संत को देखो और उनको लगता है यार उनकी पालना सही नहीं है, तो ये मत कहो कि उनकी पालना सही नहीं है, बल्कि ये कहो कि मैं अगर ज़िंदगी में कभी संत बना तो मैं अपने भीतर ये कमजोरी नहीं रहने दूंगा। हमसे तो कुछ बढ़ता जाड़ता है नहीं, और जो बने हुए उनकी टांग खिंचाई हम जरूर कर लेते हैं। ऐसे प्रगाढ़ कर्म बंधन होते हैं, ऐसे प्रगाढ़ कर्म बंधन होते हैं किसी भी गुरु की निंदा और आलोचना करने से। कोई व्यक्ति कितना भी धर्म क्यों ना कर ले, मासक्षमण की तपस्या कर ले, पर अगर अपनी जिंदगी में किसी गुरु की अगर निंदा करता है, वो आदमी कभी भी 84 लाख जीव यनों के भटकाव से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की निंदा प्रायश्चित करना। जिस दिन भूल से भी हमारे मुंह से किसी गुरु की निंदा हो जाए, किसी संत की निंदा हो जाए, किसी त्यागी की निंदा हो जाए, कभी किसी त्यागी का अपमान हो जाए, अगले दिन आयंबिल करना, अगले दिन एकासन व्रत करना। बोले किस बात के लिए? घरवाले पूछेंगे आज एकासन व्रत किस बात के लिए? बोले कल मेरे मुंह से किसी संत की आलोचना हो गई थी, तो मैंने आज उसका प्रायश्चित करना चाहे। अगर एक कदम और आगे बढ़ सको तो बढ़ जाओ। हम अपने मुंह से तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, पर कोई और कर रहा होगा तो भी हम उसे नहीं सुनेंगे। कोई कर रहा है भाई सब, मैं जाता हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे किसी संत की निंदा सुनने का त्याग किया हुआ है। कितना सरल धर्म हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, पर फिर भी आपको बहुत बड़ा धर्म मिल रहा है कि मेरे द्वारा किसी भी संत की आलोचना सुनने का भी मेरा त्याग है। खिसक जाओ। वो बुरा मानेगा, एक मिनट बुरा मानेगा, पर जिंदगी में दोबारा वो कम से कम फिर किसी के संत की निंदा नहीं करेगा। निंदा मत करो। कहते हैं भगवान विष्णु, नारद जी की कहानी सुन लो अंत में। भगवान विष्णु बैठे हुए थे, इतने में ही नारद जी आए, 15 मिनट वहां विष्णु जी के पास बैठे, और जब वो जाने लगे तो लक्ष्मी जी से कहा कि जहां पर नारद जी बैठे हैं वहां पर गोबर का लीपन करके उसे शुद्ध कर दो। तो नारद जी बाहर जा रहे थे, बड़ा माथा ठनका, क्या मैं इतना अशुद्ध पवित्र हूं कि मैं जहां बैठा वहां पर भगवान जी अब गोबर का लीपन लगा के उसको शुद्ध करवा रहे हैं? ये कौन सा मैं क्या हूं ऐसा? कान तक बात पहुंच गई। दुनिया में क्या है कि लोग धीमे कोई बोलता है तो जल्दी सुनता है, जोर से बोलो तो जल्दी नहीं सुनता, धीमे बोलो तो कान लगा के आदमी आवाज सुनता है। सो नारद जी ने सुन लिया। अब नारद जी वापस है, भगवान ये आपने क्या कहा मैं क्या इतना अशुद्ध हूं? बोले भाई शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है, आज गुरु पूर्णिमा है तो आज तू मेरे पास आया है, पर मैंने इसलिए तुम्हारे स्थान को शुद्ध करवाया है क्योंकि तू नगुरा है। क्या है नगुरा? क्या है एक बार शब्द बोलो तो? नगुरा। आनंद गंज ने कभी कहा था, सगुरा हो सो भर भर पीवे, नगुरा जावे पाछा अवधु सो जोगी गुरु मेरा, इस पद का करे रे निवेड़ा अवधु सो जोगी गुरु मेरा। सगुरा हो सो भर भर पीवे, जिसका गुरु है वो शिष्य तो भर भर के अमृत पीता है, पर नुगरा जावे पाछा, वो खाली का खाली वहां से लौट जाता है।
अगर हम गुरु के पास भी गए पर गुरु के प्रति आदर भाव नहीं है तो आओगे तो सही पर नुगरा वापस लौट जाएगा, उसके पात्र में कुछ भर नहीं पाएगा। तो गोबर का लीपन जब हुआ तो नारद जी का माथा ठनका, बोले ऐसा क्या है? बोले भाई तू नुगरा है, तेरा कोई गुरु तो है नहीं, तो गुरु तो है नहीं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन तू मुझे धोख लगाने आया है, पर तेरा कोई गुरु तो तूने बनाया ही नहीं, तो फिर तेरा निस्तार कैसे होगा, इसलिए मैंने गोबर का लीपन करवाया है। बोले बात तो सही है, मैंने भी सुना है गुरु बनाना जरूरी है, पर अब सवाल ये उठता है कि मेरा तो कोई गुरु है नहीं, अब मैं किसको गुरु बनाऊँ? आप ही मुझे सुझाव दे दीजिए मैं किसको गुरु बनाऊँ। भगवान ने कहा एक काम कर, तू यहाँ से धरती पर जा, बिल्कुल सीध में जाओ, जो पहला इंसान मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। वो ऊपर से नीचे आए धरती पर, और वहां पर जैसे ही नीचे उतर के आए, उतर के आते उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा नजर आया। बोले यार भगवान ने कहा था जो पहला इंसान मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, ये तो मछुआरा है, इसको क्या गुरु बनाऊं, ये तो दिन भर पाप करने वाला आदमी, इसको क्या, ये मुझे क्या तो ज्ञान देगा, क्या मुझे समझाएगा। छोड़ छोड़ा के वापस आ गए। बोले भगवान वो तो मछुआरा है। बोले सवाल ये नहीं कि मछुआरा है या नहीं है, उससे भी तो ज्ञान मिल सकता है, ये किसने कहा कि मछुआरे से ज्ञान नहीं मिल सकता, जा वापस जा। बोले नहीं भगवान उसके पास तो मैं नहीं जा सकता, वो तो एक दिगंबर का निकम्मा है, फालतू आदमी है, ये है वो है। बोले तूने, मैंने तुझे कहा था उसे गुरु बना ले, पर तूने गुरु नहीं बनाया, और तू अपने उस गुरु की अब आलोचना और कर रहा है। याद रखना मेरे नियम के हिसाब से जो व्यक्ति किसी गुरु की आलोचना कर लेता है वो 84 लाख जीव योनियों में भटकता है। अब तुझे भी इस अभिशाप का सामना करना पड़ेगा नारद, और अब तुझे भी 84 लाख जीव योनियों में भटकना पड़ेगा। बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन ये कौन सा दुराशीष दे रहे हैं, इसका समाधान क्या होगा? बोले समाधान तो तेरा गुरु ही बताएगा। और वापस ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, मछुआरे के पास जाते हैं, बोले कि इस तरह की बात हो गई, उन्होंने कहा था गुरु बनाना, मैंने आपको गुरु नहीं बनाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा है तुझे 84 लाख जीव योनि में भटकना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एक कागज के ऊपर 84 लाख जीव योनियों का नक्शा बना दीजिए। वो झट से नारद जी ने 84 लाख जीव योनियों का नक्शा फट 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 उकेर दिया। बोले अब एक काम कीजिए, आप इस कागज के 84 लाख जीव योनियों के इस कागज पर आप 3 बार लोटपोट हो जाइए। और वो हो गया, जैसे ही नारद जी 3 बार लोटपोट हुए, भगवान विष्णु सीधे वहां प्रकट हुए। मैंने कहा ना गुरु अपने आप मार्ग दिखाता है, तूने गुरु की आलोचना की, 84 लाख जीव योनियां तुझे भटकने का अभिशाप मिला, पर गुरु भले वो मछुआरा था पर उसने आखिर तुझे उस 84 लाख जीव योनियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा ही दिया, और तुम अभिशाप से मुक्त हो गया। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर अपन गुरु चरणों में प्रणिपात नमन समर्पित करते हैं, उनकी मान मर्यादा हमेशा बनी रहे इस बात का ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करने के प्रति भी जागरूक होते हैं। और अंतिम बात, उनकी कभी भी हमारे द्वारा अवहेलना न हो जाए, अमर्यादा न हो जाए, कभी उनकी आलोचना न हो जाए, इस बात की पूरी पूरी जागरूकता रखेंगे। गुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाओ और संसार का कल्याण करो। धर्मानुरागी भाई बहनों के प्रति, सभी आदरणीय आत्माओं के प्रति अपने हृदय की शुभकामना समर्पित करते हैं और ये भावना भाते हैं, गुरु की महान शक्ति अपन सब लोगों पर वैसे ही छा जाए जैसे बरसात के आने पर हम लोग छाते को अपने हाथों में लेते हैं, और छाता आती हुई बरसात को जैसे रोकता है वैसे ही दिक्कतों को भी वो हमारे रोक दे, हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो, अपन सब लोगों का जीवन मंगलमय हो। अपन अपनी ओर से गुरु चरणों में यही प्रार्थना समर्पित करते हैं, यही प्रार्थना समर्पित करते हैं। ये दिन तो बहुत महान है। गुरु मानने की बात है, वो जानने की बात नहीं है। मानो तो गुरु है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो गुरु है, न मानो तो वो भी हाड़ मांस का पुतला है। मानो तो ये बेटा आपका नाम क्या है? अक्षत।
मानो तो ये आपके पिता हैं और ना मानो तो जैसी बॉडी आपकी है वैसी बॉडी उनकी है, सब यहाँ मानने की बात है। गुरु जानने की बात नहीं होती, वो मानने की बात होती है। गुरु अंडरलाइन कर लो, गुरु जानने की बात नहीं होती, वो मानने की बात होती है। अगर हम जानने के लिए बोले पहले हम जानेंगे उसी बात ही मानेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं जान पाओगे। अरे गुरु को क्या जानोगे, आपकी लुगाई आपको ही अभी तक पूरा जान नहीं पाई है। क्यों प्रभु, आपकी धर्मपत्नी आपको पूरा जान गई? धर्मपत्नी पति को तो क्या जानेगी, पति पति खुद को ही नहीं जान पा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति को ही अभी तक जान नहीं पा रहा है, वो खुद ही अभी तक खुद से अनजान है। पति मानने की बात है, पति जानने की बात नहीं होती। पत्नी मानने की बात है, पत्नी जानने की बात नहीं होती। हम लोग जब जानने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो जैसे ही आप जा रहे हैं पत्नी फोन करके पूछती है कहाँ हैं, बोले घर आ ही रहा हूं कार में चलो, बोले कार में चले हो क्या बोलेगी, बोलो तो थोड़ा जोर से बोलो ना, अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, हॉर्न थोड़ा हॉर्न बजाना, क्योंकि पति पति को जाना नहीं जा सकता। आज भी हर पत्नी कह देगी मैं इनार साथ 30 साल रहेगी फिर भी आज तक नहीं जान पाई बाप जी इनार कहीं नीचे रहे, आखिर आज तक नहीं जान पाई। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ वो कहते हैं हाँ बाप जी आप सही कह रहे हैं, 30 साल हो गए इनके साथ रहते हो मगर फिर आज भी पूरा इनको समझ नहीं पाई हूँ। आप कहते हैं हाँ भाई आज गुरु पूर्णिमा है, वो कहते हैं कि कहाँ हो, बोले मंदिर जी में, बोले घंटा बजा के दिखाओ तो, अब घंटा बजाए किसका, मंदिर जी में हो तो घंटा बजाए, मंदिर जी में हो तो घंटा बजाए ना, घंटा तो गायब हो गया। अब भाई मानने की बात है, जानने की बात नहीं है। पति हो माता पिता मानने की बात है, जानने की बात नहीं है। ये मेरा पुत्र है मानने की बात है, जानने की बात नहीं है। अगर दिल में मान्यता है, गुरु बहुत काम करता है। श्रद्धा बलवती राजन, जो काम कोई चीज़ नहीं कर पाती वो हृदय में रहने वाली श्रद्धा कि ये मेरे गुरु हैं और इनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर मेरे लिए फलेगा, तो 100% फलेगा फलेगा फलेगा। परमात्मा किसी की भी बात टाल सकते हैं, पर गुरु के द्वारा दिए गए वचन को कभी भी नहीं टालते। हम गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर संसार की समस्त महान गुरु शक्तियों को अपने नमन अपने सादर श्रद्धा भाव समर्पित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़े कमर सीधी करें। अपन इस समय माटी के दीप तो नहीं जला पा रहे हैं, पर यहाँ बैठे बैठे ही अपने हृदय को ही दीप बना करके आंखें बंद करके और अपन लोग गुरु शक्ति के प्रति आरती संपन्न कर लेते हैं, अपना श्रद्धा भाव अपन लोग समर्पित कर लेते हैं और आंखें बंद करके आकाश की ओर ध्यान करते हुए रूपातीत ध्यान करते हुए आओ हम सब लोग गाते हैं गुनगुनाते हैं और गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी ज्योत से हमारी ज्योत को प्रज्वलित करे, अपनी ज्योत से हमारे भीतर की बाती को भी प्रज्वलित करे। आओ सब गाते हैं गुनगुनाते हैं प्रार्थना करते हैं गुरु शक्ति से ज्योत जगाओ सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा सब बोलेंगे बोलो ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ बोलो ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे बोलो हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर
निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मोपे निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बोलो हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मोहे मंगल दर्श, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाय करें तोरी आरती, शीश हाथों में आरती पकड़ो और आरती करो, बोलो शीश झुकाय करें तोरी आरती, शीश झुकाय, बोलो शीश झुकाय करें तोरी आरती, शीश प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। मोपे प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में बोलो, अंतर में युग युग से सोई, अंतर में चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योति जले अंतर में, सांची बोलो, सांची ज्योति जले अंतर में, सांची। सो हम नाथ जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जग। दोनों हाथ ऊपर, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बोलो ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हाँ हाँ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटा, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। हो मेरा अंतर तिमिर मिटा, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। गुरु ओम ओम ओम, 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 गुरु ओम ओम, गुरु ओम ओम ओम, गुरु ओम ओम ओम, गुरु ओम ओम ओम, गुरु ओम ओम, गुरु ओम ओम ओम।
गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। सभी बोलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताली बजाएं, गुरुपद की अभिवंदना करें। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।